सत्य, तटस्थ आ निष्पक्ष समाचार हमर सभक अभियान। प्रणाम, ई अछि टाइम्स टेलीविजन। अपने देख रहल छी टाइम्स समाचार। हम दीपक। शुरू करी हेडलाइनसँ। जनकपुर अंचल अस्पताल के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के नाम में नामकरण कर कांग्रेस उपसभापति निधि के प्रस्ताव। ओली नेतृत्वक सरकार अपन पार्टी के अंतर्द्वंद के कारण से बीचे में खसत कांग्रेसक नेता महत के दावी। नकली नागरिकता बनाब खोजवला एक भारतीय सहित तीन गोटे जनकपुर धाम से पकड़ायल। अनाथ धियापुता के लिए जनकपुर धाम में सानो पायला के पहल में छोट घर के स्थापना। धनुषा में पावन तिहार के लक्षित क 1055 पुलिस परिचालन कैल जायत। सरकारक काज में होबय वाला कमजोरी प्रति पार्टी सचेत रहल नेकपा अध्यक्ष प्रचंड के स्पष्टोक्ति। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा शनिक सांझ कक्षा 11 के परीक्षा फल सार्वजनिक कैल गेल। आ कश्मीर में बस दुर्घटना 20 गोटे के मृत्यु 16 गोटे घायल। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति बिमलेन्द्र निधि जनकपुर अंचल अस्पताल के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण झा के नाम में नामकरण कर प्रस्ताव कलने। देश में गणतंत्र के लिए संघर्ष कल कारण से तत्कालीन पंचायती सरकार डॉक्टर झा के बेपत्ता बनौने। पेशा से सर्जन रहल धनसाक डेबडीहा निवासी झा के अवस्था अखन धरि अज्ञात है। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी जनकपुर धाम शुरू केने ब्लड कंपोनेंट सर्विस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में बजत उपसभापति निधि पेशागत आ राजनीतिक रूप में सेहो डॉक्टर झा के योगदान नहीं बिसरल जा सकत अछि बतौने छला। विभिन्न अस्पताल के नामकरण राजनीतिज्ञ सबके नाम में भ रहल निधि उल्लेख कलन। ओ कहलन झा के नाम में नामकरण केला पर हुनका सम्मान हैत। अंचल अस्पताल के प्रादेशिक अस्पताल में रूपांतरण करबाक सोच रहल उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव बतौने छला। निधि कहलन अय के और स्तर उन्नति करत राष्ट्रीय स्तर के बनाब पड़त। धनसाक नगरायन नगर पालिका ब्लड कंपोनेंट सर्विस संचालन कर उपकरण खरीद में जनकपुर रेड क्रॉस के आर्थिक सहयोग केने अछि। विजयादशमी के अवसर में प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कास्त सब गोटे में शुभकामना व्यक्त कलने। विजयादशमी के अवसर में भेल शुभकामना आदान प्रदान तथा चाह पान कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख कास्त विजयादशमी दियाबाती तथा छठ पावन 2075 के अवसर में प्रदेश 2 के संगे स्वदेश तथा विदेश में रहल समस्त नेपाली में सुख शांति समृद्धि सद्भाव तथा आपसी भाईचारा कायम रहे के शुभकामना व्यक्त कने। समृद्धि आपसी सद्भाव सहयोग भाईचारा वृद्धि का लागी हार्दिक मंगल मैं शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अनुपम सांस्कृतिक वैभव र धरोहर का रूप में रहेगा हमारा ही चार पर्वहरु ने बहुजातीय बहुभाषी बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता बीच को अविच्छिन्न प्रकार एकता सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन्। प्रदेश प्रमुख के कार्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश 2 के मंत्री सांसद विभिन्न सुरक्षा निकाय के उच्च पदस्थ कर्मचारी नागरिक समाज समाजसेवी राजनीतिक कर्मी तथा बुद्धिजीवी सभक सहभागिता छल। नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर राम शरण महत केपी ओली नेतृत्वक सरकार अपने पार्टी के अंतर्द्वंद के कारण से 5 वर्ष पूरा नहीं पहुँचते बीचे में गिरत से दावी कलने। नेपाली कांग्रेस धनुषा आयोजना के कार्यक्रम में डॉक्टर महत जनता ओली सरकार के 5 वर्ष के लिए जनादेश देने रहितो 5 वर्ष धर के कार्यकाल पूरा नहीं कह सकत बतौने छल।
नेता महत सरकार संघीयता के कार्यान्वयन में ईमानदार नहीं रहल सेहो आरोप लगौलन। ओ जनता जाय उत्साह के संग वोट दिलक वही अनुसार सरकार काज नहीं कर सकल से आरोप लगौने छलैथ। महत प्रधानमंत्री ओली काज से बेसी बात क के मात्र समय बर्बाद कर रहल आरोप लगौलन। महत सरकार जनता के समस्या प्रति गंभीरता नहीं देखौने बतबैत सरकार के गलत नीति के कारण से देश में महंगाई बढ़ल सेहो कहलन। दोसर प्रसंग में नेता महत नेपाली कांग्रेस में अखन पार्टी के विधान के विषय में विमर्श शुरू भेल बतबैत कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में आगा बढ़ल अवस्था में पार्टी के हित हैत कहलन। ओ सामूहिक नेतृत्व से मात्र पार्टी के आगा बढ़ावा में मदद पहुंचत बतौने छलाह। नेता महत पार्टी के मजबूत बनाबे लेल पार्टी में देखल गेल सब प्रकार के गुटबंदी के समाप्त क के आगा बढ़ के विकल्प नहीं रहल सेहो बतौलन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा नकली नागरिकता बनाबे खोजवला तीन गोटे के पुलिस पकड़लक। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा देने जानकारी अनुसार भारत जिला सीतामढ़ी ग्राम पंचायत कोरियाही भेमुआ घर भ एखन धनुषा जिला जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 14 रजौल रहनिहार शकुर अंसारी के 24 वर्षक पुत्र तसीफ अंसारी आर्थिक प्रलोभन समेत नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र बनाबि रहल से विशेष सुराकी के आधार में धनुषा पुलिस जनक धाम उप महानगर पालिका 14 रहनिहार 55 वर्षक मंजूर अंसारी ओकर 48 वर्षीय कनिया सलमा खातून ओकर सार पर वाला तसीफ अंसारी के पकड़ कर जिला प्रहरी कार्यालय में आनने ओहिठाम प्रारंभिक अनुसंधान में मंजूर अंसारी के अपन सार ओकर कनिया सलमा खातून के अपन भ्यार नाता पर वाला तसीफ अंसारी के अपन बेटा कह कर ठक के नेपाली नागरिकता दियाबे लेल संपूर्ण कागजात से तैयार केने खुजल है। वो सब ऐसे पहिनहो नकली नागरिकता बनाबे में संलग्न रहल कि नहीं तय लगात के विषय में सेहो थप अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक सह महासचिव एवं प्रदेश सभा सदस्य सुरीता कुमारी शाह मधेश में संचार क्षेत्रक विकास के आवश्यकता रहल बतौलिए। ओ पत्रकार सब के मधेशक शोषित पीड़ित के पक्ष में आवाज उठाबे परत बतौलिए। रेडियो मधेश के आयोजना एवं प्रेस मंच के समन्वय में 7 दिने FM रेडियो पत्रकारिता संबंधी तालीम के समुद्घाटन कार्यक्रम में बजत पूर्व संचार राज्य मंत्री सेहो रहल शाह संचारक विकास के लेल अपन दिस से होबे वाला सब सहयोग करब बतौने छली है। जनता के सही जानकारी करा सके है तो वो है सूचना, वो है पत्रकारिता के मार्फत, FM के मार्फत, रेडियो के मार्फत, टेलीविजन के मार्फत या जे भी हो वही सब के मार्फत अपने की सूचना के जितने है अपने के नेट के मार्फत इस सब के मार्फत अपने की जानकारी सही रूप में। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के सलाहकार वीरेंद्र रमन, सुभाष कर्ण, जयंत ठाकुर, प्रहरी निरीक्षक दीपक शाह लगायत अपन अपन धारणा रखने छलाह। अधिकृत के नेतृत्व में 15 गोटे कर्मचारी के दरबंदी रहल महोत्तरी जिलाक बर्दीवास स्थित नापी कार्यालय स्थापने काल से काज विहीन छ। जिला के उत्तरी क्षेत्र के तत्कालीन 9 गावी से एखन बर्दीवास नगरपालिका के सब क्षेत्र आ भंगा नगरपालिका के पुरान भंगा गावी से क्षेत्र के सेवा देबाक उद्देश्य से 2072 जेठ 17 गते स्थापना भेल कार्यालय अभिलेख श्रेष्ठ आ कार्यालय प्रयोजन के कागजात नहीं पेला से स्थापने काल से काज विहीन भेल छ। हमर सभा कार्यालय में नापी अधिकृत के नेतृत्व में प्राविधिक आ प्रशासनिक कार्य संचालन के लेल 15 गोटे के दरबंदी है। कार्यालय प्रमुख सरोज बहादुर श्रेष्ठ कहलन ओहि कार्यालय में पहुँचला पर जलेश्वर कार्यालय सोतु का सेवा क्षेत्र तो कैल ठाँव के कोनो अभिलेख नहीं रहल, हाजिरी रजिस्टर में सही कक दिन गुजारा मात्र कर पड़ रहा है। वो कहलन 3 वर्ष पहले कार्यालय के भाड़ा मात्र प्रतिवर्ष करीब 4 लाख आ कर्मचारी के दिल जाए वाला तलब से हो लाखों रकम राष्ट्रीय ढुकुटी से जा रहा चिंता से हो नाप अधिकृत श्रेष्ठ व्यक्त कलन। बर्दीवास, गौरीवास, खैरमारा, मयस्थान, हाथीलेट, बिजलपुरा, किसान नगर, पशुपति नगर एखुनका बर्दीवास नगर पालिका क्षेत्र आ भंगा एखुनका भंगा नगर पालिका वार्ड नंबर 3 आ 3, 4 आ 5 समेत 9 गावी से क्षेत्र के सेवा देबाक उद्देश्य के संग स्थापना भेलो कार्यालय स्थापने काल से सुनसान है। कैंसर जन्य एल्बेस्टस जनचेतना अभिवृद्धि संबंधी एक दिने कार्यशाला गोष्ठी जनकपुर धाम में संपन्न भेल।
जनकपुर धाम महानगरपालिका भन्सार कार्यालय जनकपुर जिला युवा सञ्जाल धनुषा आ जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्र के आयोजना में आयोजित एक दिन कैंसर जन्य एल्वेस्टर जनचेतना अभिवृद्धि संबंधी कार्यशाला सम्पन्न भेल। व्यक्ति या पशु दुनू में देखल गेल एल्वेस्टर के असर के कारण आय के न्यूनीकरण कोना कैल जाए तय विषय में जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्र के अध्यक्ष रामचरित्र शाह प्रशिक्षण देने चला। वही प्रशिक्षण में जिला युवा संजाल धनुषा सदस्य आ स्थानीय विद्यार्थी सबका करीब 50 गोटे के सहभागिता छल। एल्वेस्टर के प्रयोग से फेफड़ा के कैंसर मेसोथेलियो में प्लूरल प्याक्यूल आ एस्बेस्टोसिस सन रोग सब लागि रहल अध्ययन से देखल गेल अछि। अखन संसार भर 12.5 करोड़ व्यक्ति सब इस प्रभावित भ रहल अछि। हर एक वर्ष एल्वेस्टर के प्रत्यक्ष संपर्क से 90,000 आ अप्रत्यक्ष संपर्क से लाखों व्यक्ति सब के मृत्यु भ रहल सर्वेक्षण से देखल गेल अछि। एल्वेस्टर के बढ़त प्रयोग के न्यूनीकरण कर पड़बाक में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के उपमेयर रीता कुमारी मिश्र जोर देने छलीह। असहाय संरक्षण मंचक अध्यक्ष एवं समाजसेवी बैद्यनाथ प्रसाद शाह के पहल में असहाय एवं अपांग प्रकाश मंडल के व्हील चेयर प्रदान कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 7 स्थित जमीरिया देवी भवन में रहित आयल प्रकाश मंडल बीतला 7 वर्ष से पैरालाइसिस रोग लागि कऽ शरीर के आधा भाग नहीं चल के अवस्था में छथि। शरीर के आधा भाग नहीं चल के अवस्था में रहल मंडल के समाजसेवी शाह के पहल में जनकपुर धामक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालक संजय शाह व्हील चेयर प्रदान कयलन। उनका मंडल रह वाला स्थान में जाकर व्हील चेयर हस्तांतरण कयल गेल अछि। रोग से बीमार पड़ कर कतौ नहीं जा सकबाक अवस्था में रहल मंडल व्हील चेयर पेलाक बाद खुशी भेल छथि। ओ आब कनिक चल फिर कर अपना सहज हैत सेहो बतौलन। व्हील चेयर हस्तांतरण कर युवा अभियानी प्रभास शाह सेहो ओहिठाम पहुँचल छला। अनाथ धियापुता सबक लेल जनकपुर धाम में छोट घर के स्थापना कयल गेल अछि। सानो पायला नामक संस्था सुनिश्चित भविष्य परियोजना अंतर्गत जनकपुर धामक ब्रह्मणपुरा चौक में छोट घर के स्थापना कयलक अछि। एहि घर के शनि दिन भिनसर एक कार्यक्रमक बीच प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह उद्घाटन कयलनि। गृह के उद्घाटन करैत मंत्री शाह अभिभावक विहीन हिंसा पीड़ित आ जोखिम में पड़ल विपन्न समुदाय के धियापुता के लेल ई छोट घर संजीवनी साबित होयत विश्वास व्यक्त कयलनि। मंत्री शाह आयोजक आ कार्यक्रम के सहयोग पहुँचाबे वाला विदेशी पाहुन सब के धन्यवाद दैत प्रदेश 2 सरकार संग होबे वाला संपूर्ण सहयोग करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 में अवस्थित अनाथ गृह में 12 गोटे अभिभावक विहीन आ विपन्न धियापुता के भविष्य सुनिश्चित हेबाक विश्वास के संग आगा बढ़ल सानो पायला के संस्थापक कंचन झा बतौलन। झा के अनुसार ओतः 12 गोटे धियापुता सब के पालन पोषण संरक्षण आ उच्च अध्ययन के योजना सहित ओहि घर के निर्माण भेल जिक्र कयलनि। सानो पायला के ई परियोजना में सन 2015 से बियॉन्ड द अर्फानेज नामक संस्था सहयोग करैत आयल कंचन के कहब छलनि। जनकपुर धाम में खुजल ई छोट घर में धियापुता के देखभाल के लेल 4 गोटे व्यक्ति के 2400 घंटा खटाओल गेल आ धियापुता के विद्यालय पढ़ाव के खेलकूद आ मनोरंजन धर के व्यवस्था छोट घर में होयत नया पायला के राहुल झा के कहब छनि। दशमी दियाबाती आ छठ पावन में धनुषा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल जायत। शनि दिन भिनसर जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनकपुर धामक रामानंद चौक में आयोजना केने दशमी दियाबाती आ छठ पावन लक्षित सुरक्षा कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रेमलाल लामी छा ने पावन तिहार के लक्षित कक सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल जायत बतौलन। ओ जनता के शांतिपूर्ण वातावरण में पावन तिहार मनाबत जिलाक सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयल जा रहल जानकारी करौलन। धर्म संस्कृति के नाम में विभिन्न संघ संस्था तथा क्लब सब के अबेर राति धरि कार्यक्रम नहीं कर आग्रह सेहो प्रमुख जिलाधिकारी लामी छाने कयलनि। धनुषा जिला सुरक्षा के हिसाब से जोखिम में रहल बतबैत प्रमुख जिलाधिकारी लामी छाने कतौ कोनो अवांछित वा आपराधिक गतिविधि भ रहल पता भेल त लगक प्रहरी समक्ष जानकारी कराब आग्रह कयलनि। सुरक्षा के लेल 1055 पुलिस परिचालन कयल जायत। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आ राष्ट्रीय अनुसंधान प्रहरी नेपाल के संयुक्त सहकार्य में 1055 पुलिस परिचालन होयत ओ बतौलनि। एउटा सहज वातावरण बनाउने निर्भयपूर्ण वातावरण बनाउने शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले दुःखका साथ आफ्ना चाडपर्वहरू तथा दैनिकीहरू चाहिँ सहज रूपमा गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो एकीकृत सुरक्षा योजना बनेको छ।
र यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी स्वतन्त्र प्रहरी बल नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय लगायत सबै सुरक्षा निकायहरूको जिम्मेवारी उहाँहरूको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारलाई पनि हामीले सुस्पष्ट रूपमा हामीले जिम्मेवारी तोकेका छौँ। हामीले चाहिँ 1055 जना सुरक्षा कर्मीहरूलाई सम्पूर्ण धनुषा जिल्लालाई कभर गर्ने गरी त्यसलाई त्यहाँ धनुषा जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील देखिएका आपराधिक गतिविधिको दृष्टिकोणले बढी जोखिममा रहेका त्यस्ता भल्लरीभर चाहिँ बिन्दुहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर अलिक सघन हिसाबले हाम्रो सुरक्षा पावनि तिहार के लक्षित कहकर जिला में आपराधिक गतिविधि नहीं हुए ताहि उद्देश्य से सुरक्षा के कार्यक्रम सब कैल जायत बताओल गेल अछि। ठाम ठाम में कमान पोस्ट ठार करबाक, सरप्राइज चेकिंग करबाक, यात्रू सहायता कक्ष संचालन करबाक सन कार्यक्रम सब कैल जायत धनसाक प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया बतौलन। उपरीक्षक थपलिया कहलन सामाजिक विकृति अंत्य करबाक लेल पुलिस 2400 घंटा तैयार अछि, एहि मे सब पक्ष के संग आ सहयोग के अपेक्षा रहल। ओ कहलन थपलिया आम नागरिक के निर्धक्ता पूर्वक पावन तिहार मनाबा आग्रह करत, जबरदस्ती चंदा संकलन करबाक, लागू औसत सेवनकर्ता, मदिरा सेवनकर्ता, महिला हिंसा, सवारी दुर्घटना, जुआ तासन विकृति नियंत्रण कर पुलिस 2400 घंटा लागत बतौलन। कार्यक्रम में नागरिक समाजक अगुवा, संचार कर्मी, सर्वसाधारण लगायत के उल्लेख्य सहभागिता छल। प्रदेश दू के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश कुमार मंडल नेपाली कांग्रेस आ नेकपा मधेसी के लेल भाड़ा के घर रहल बतौने छथि। सप्तरी स्थित डाकनेश्वरी नगर कार्य समिति आयोजना केने पार्टी प्रवेश तथा सभा के संबोधन करे तो राज्यपा अपने घर अछि से बतौलन। ओ कहलन राज्यपा मधेसी जनता के अपने घर अछि, एहि मे मधेसी के श्रम आ पसीना लागल अछि, भाड़ा के घर से कोनो समय निकालल जा सकत अछि, तैं ओना डर आ त्रास में नहीं रहू। ओ अपन घर अपने होइत अछि कहैत कांग्रेस आ नेकपा में रहल मधेसी नेता के राज्यपा में घूर अनुरोध केने छला। ओ कहलन नेपाली कांग्रेस महेंद्र नारायण निधि के घर नहीं भ सकल तो महंत ठाकुर के और कोना हैत। ओ समय में सचेत भक अपन घर अपने बनाब दिस लाग कांग्रेस तथा नेकपा में रहल मधेसी नेता से आग्रह कलन। कार्यक्रम में 1000 से बेसी नेता कार्यकर्ता कांग्रेस कम्युनिस्ट आ फोरम परित्याग कर राज्यपा में प्रवेश केने छल। नव प्रवेशी सबके राज्यपा के अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजकिशोर यादव अबीर माला लगाकर स्वागत केने छलाह। मैथिली भाषा के मासिक कवि गोष्ठी के 56वीं श्रृंखला शनि दिन जनकपुरधाम में सम्पन्न भेल अछि। मैथिली साहित्य समाजक आयोजना में भेल मासिक कवि गोष्ठी में कवि सब मैथिली भाषा के विकास के लेल मैथिली साहित्य के उत्थान कर के आवश्यकता रहल बतौलन। कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि अर्थविद एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भोगेन्द्र झा मैथिली भाषा के उजागर कर में मैथिली साहित्य के महत्वपूर्ण भूमिका रहला से अ के सब गोटे मिलकर जगेरना करबाक आवश्यकता रहल बतौलन। साहित्यकार शीतल झा के अध्यक्षता में भेल गोष्ठी में साहित्यकार यदुवंश झा, जीवच मिश्र, विजय दत्त मणि, किरण झा रश्मि, बिंदु ठाकुर, मनोज प्रमेश, ब्रजमोहन झा लगायत कवि तथा कवियत्री सब अपन अपन कविता वाचन केने छलथि। स्वस्थ, मस्त आ तनाव मुक्त जीवन जीव लेल कला सिखाबक के उद्देश्य के संग जनकपुरधाम में शनि दिन एक दिने ओषोधारा ध्यान तथा सत्संग शिविर के आयोजना कयल गेल अछि। ओषोधारा साधना केंद्र जनकपुरधाम आयोजना केने ओहि शिविर में सहभागी सबके स्वस्थ जीवन जीव के कला के बारे में केंद्रक संयोजक विश्वलाल सिंह साधना करौने छलाह। शिविर में ओषोधारा के नेपाल प्रमुख ओषो मैत्रेय आचार्य महेंद्र लगायत 111 गोटे ओषो शिष्य सबके सहभागिता छल। धीरेन्द्र मल्टीमीडिया प्राली द्वारा निर्मित मैथिली चलचित्र दहेजक पीड़ा के शनि दिन जनकपुरधामक राम जानकी सिनेमा हॉल में प्रीमियर शो सम्पन्न भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के कृषि मंत्री शैलेन्द्र शाह द्वारा रिबन काट कयल गेल उद्घाटन पश्चात दहेजक पीड़ा के शो शुरू भेल छल। फिल्मक प्रीमियर शो में विशिष्ट अतिथि के रूप में फिल्मक पात्र सेहो रहल प्रदेश सांसद रामाशीष यादव, मीनापक पूर्व अध्यक्ष सुनील मल्लिक लगातक व्यक्ति सब छलथि। जनकपुरधाम में भव्य रूप में सम्पन्न कयल गेल प्रीमियर शो के बाद
किछुए दिन में दहेजक पीड़ा देशव्यापी रूप में प्रदर्शन करबाक बात धीरेन्द्र मल्टीमीडिया के अध्यक्ष एवं फिल्मक नायक धीरेन्द्र पासवान बतौने छथि। शनि दिन जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 1 में सर सफाई कार्यक्रम सम्पन्न कयल गेल छ। शनि दिन भिनसरे से सर सफाई अभियानी सब को दायर बोरा आ झाड़ू हाथ में लक जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 1 से सर सफाई के शुरुआत कलक। वार्ड नंबर 1 के ठाम ठाम में जत तत गंदगी राखने प्लास्टिक कागज सन पदार्थ सब सड़ला से आदमी के घर लगपास गंदगी एबाक वातावरण के प्रदूषित पड़ला से जनकपुर धाम में हमेशा सर सफाई होत आबि रहल छ। एना सर सफाई कार्यक्रम के निरंतरता देख दोसर शनि दिन वार्ड नंबर 2 में सर सफाई कयल जायत बताओल गेल छ। जनकपुर धामक हरेक वार्ड में प्रत्येक शनि दिन सर सफाई कयल जायत। शनि दिनक सर सफाई कार्यक्रम में प्रदेश 2 के सभासद रामाशीष यादव, समाजसेवी वैद्यनाथ साह, वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष शत्रुधन साह, कृष्णचंद्र, गौतम ढुंगेल, चंद्र नारायण मंडल, दीपक ठाकुर, सुजीत कुमार मिश्र, ललित यादव, अविनाश कुमार साह, बलराम कुमार साह, तेज नारायण मंडल, राम बाबू यादव, प्रभास कुमार राय, रोशन झा, रविन्द्र अरगरिया, श्याम ठाकुर, बजरंग यादव, राजेंद्र कुमार साह, ओम साह नेपाली लगायत वार्ड नंबर 1 के बहुतों अभियानी सबके सेहो सहभागिता छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारक काज में होबय वाला कमजोरी प्रति पार्टी सचेत रहल बतौलने छ। नेकपा रौथट काठमांडू संपर्क मंच शनि दिन काठमांडू के चौभार में आयोजना केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल एहन धारणा रखलन। ओ पार्टी एकताबद्ध भ क सरकार आ पार्टी के सशक्त रूप में आगा बढ़ावे पड़त से धारणा रखलन। अध्यक्ष दाहाल परिवर्तन के संस्थागत करो नहीं चाह वाला सब अनेक प्रकार के षड्यंत्र क सकत कहत परिवर्तनकारी अ के विशेष ध्यान देव पड़त जिक्र कलन। ओ जनता के विकास निर्माण सुशासन आ समृद्धि के अपेक्षा के पूरा कर नेतृत्व आ सब गोटे के सचेत नागरिक के एकताबद्ध भक लाग पर जोर दिलन। लंबा संघर्ष आ बलिदानी पश्चात नेपाल में अखन विशिष्ट प्रकृति के असाधारण राजनीतिक परिस्थिति सृजना भेल कहतो वही के महत्व आ गहराई के गंभीर चिंतन मनन क संभावना संगे नमहर नमहर चुनौती के सामना संग आगा बढ़ के अवस्था रहल से उल्लेख कलन। षड्यन्त्र गर्ने त्यसलाई प्रतिक्रांति में बदलने कोशिश गरी नै राख्छन्। त्यसकारण परिवर्तन का पक्षधर को जिम्मेवारी हुन्छ त्यो परिवर्तन संस्थागत करने गंभीर ढंग ने चिंतन मनन र पहल करने मेहनत करने आवश्यकता हुन्छ। र फेरि यो ठूलो राजनीतिक संघर्ष पछि जो परिवर्तन आउँछ त्यो परिवर्तन संस्थागत करने सन्दर्भ में आंदोलनकारी शक्तिहरूलाई राज्य संचालन को धेरै अनुभव भएको हुँदैन। उनीहरूबाट कमजोरी हुने खतरा पनि रहिराख्छ। समृद्धि को नया युग को परिकल्पना गरेका छौं, राजनीतिक स्थिरता को सुशासन को परिकल्पना गरेका छौं, त्यसलाई व्यवहार में उतार्ने चुनौती हामी सबैको अगाडि छ। कार्यक्रम में नेकपाक अन्य नेता सब देश के समृद्धि आ सुशासन दिश लऽ जाय लेल पार्टी प्रतिबद्ध रहल से धारणा रखने छलथि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउबा विकास के नाम में भ्रष्टाचार बढ़ल बतौलने छ। नेपाल विद्यार्थी संघ डडेलधुरा काठमांडू संपर्क समिति शनि दिन काठमांडू में आयोजना केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में ओ विमानस्थल के नाम में गाछ काट खोजनाई, विमान खरीद में अनियमितता भेनाई से देश में विकास के नाम में भ्रष्टाचार बढ़ल बतौलन। ओ गाछ काट के विमानस्थल निर्माण करबाक काज वातावरणीय ढंग से सेहो उपयुक्त नहीं रहल कहत गाछ काटबाक काज के रोक कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। कम्युनिस्ट सरकार देश में त्रास सृजना केने कहत आब कांग्रेस बाध्य भ के आंदोलन करबाक अवस्था आबि सकत ओ कहलन। तहिना सभापति देउबा देश में देखल गेल अराजकता के सामना कर कांग्रेस के एकजुट भ के आगा बढ़ पर जोर देने छलथि। कसरी चाहिँ एकजनालाई सिद्ध्याउने कसरी रुप्ने र विकास कहाँबाट त्यहाँको गभर्मेन्ट हाउस बनाउने कति करोड रुपियाँ छ, त्यहाँको मुख्यमन्त्री बसे ठाउँ कति करोड बजेट छ, विकास कहाँबाट हुन्छ सुरुमा विकासको मतलब छ रुख काट्ने धन्दा काट्ने र ऐसा आरामसँग बस्ने भन्ने मतलब छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ जोडमा बसिरहेको छ।
सभापति देवबा भातृ संगठन कमजोर भेल तो पार्टी कमजोर हैत कहत नेवी संघ के मिल का आगा बढ़ निर्देशन दिलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सरकार में रहल मंत्री सब विज्ञ सब संग सुझाव लक काज करबाक चाहि बतौलने। राष्ट्रीय आर्थिक मासिक शनि दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में नेता नेपाल कोनो भी योजना कार्यान्वयन केला पर पूर्व मंत्री कर्मचारी आ विज्ञ सब संग सुझाव लेबाक चाहि बतौलन। नेता नेपाल लंबा समय धरि सेहो आयोजना पूरा नहि होयब दुर्भाग्य के बात रहल से टिप्पणी कयलन। समय में पुल सड़क निर्माण नहि भेला से भ्रष्टाचार बढ़ के खतरा रहल से हुनकर कहब छलन। ओ सरकारक काज के गति लेबाक चाहि धारणा रखलन। ओ विभिन्न बहाना में वन फरानी भ रहल कहत विकास निर्माण आ पर्यावरणीय क्षेत्र में समन्वय हेबाक चाहि से उल्लेख केने छलथि। ओ निचला तह से कोनो भी आयोजना निर्माण केला पर अपना से ऊपरका निकाय संग विमर्श कक मात्र काज शुरू करबाक चाहि बतौने छलथि। प्रत्येक मंत्री ने आफ्नो सरकार का मंत्री विज्ञहरूसँग ब्युरोक्रेसी में काम गरेकाहरूसँग राम्रा मान्छेको लिस्ट बनाउने सल्लाह दिए। अन्तर्क्रिया गरे कहाँ कहाँ छन् समस्या सिंगै देशको सन्दर्भमा हाम्रा समस्याहरू के छन् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 त्यो सबै फेरिस्त लेख्ने केही अरू केही पनि यहाँ जादुको छोडेर घुमाउनु पर्दैन। तपाईँले यहाँ जब एक महिनाको दुई महिनाको पत्रिका पढेर जब भावनाहरू तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् थाहा भइहाल्छ। नेता नेपाल अब सबके ध्यान जनता संगे प्रत्यक्ष सरोकार राख के काज में केन्द्रित करबाक चाही से जिक्र केने छला। निर्मला पंत के बलात्कार तथा हत्या में संलग्न के कार्यवाही करबाक मांग करत शनि दिन काठमांडू में बृहत प्रदर्शन भेल। निर्मला के लेल न्याय अभियान के अगुवाई में भेल प्रदर्शन में पंत के बलात्कारी आ हत्यारा के कार्यवाही करबाक मांग रखत सहभागी सब सरकार के आलोचना करत नाराबाजी केने छल। तो प्रदर्शनकारी सब गृहमंत्री के राजीनामा मांग के संगे प्रहरी प्रमुख के बर्खास्त करबाक मांग कलक। प्रदर्शन में सहभागी से पीड़ित परिवार के न्याय देव लगात विभिन्न नारा लिखल प्ले कार्ड रखने छल। मैतीघर मंडला से शुरू भेल प्रदर्शन बानेश्वर पहुँच के कोन सभा में परिणत भेल छल। प्रदर्शन में डॉक्टर गोविंद केसी लगातक स्वतंत्र व्यक्ति सब के सहभागिता छल। सरकार के संरक्षण में दोषी पहचानक प्रक्रिया के तोड़ मोड़ केलाक बाद निर्मला पंत के बलात्कार आ हत्या के विषय बेसी मुद्दा के रूप में उतरल। गृह मंत्रालय तथा नेपाल प्रहरी घटना के अनुसंधानक लेल बेर बेर समिति गठन केने रहे तो ओ देने रिपोर्ट से हो सरकार सार्वजनिक नहीं केलक। उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार के कानून निर्माण में केन्द्रित होबे पड़ला से सरकार के और काज के प्रभावकारी रूप में आगा नहीं बढ़ाओल जा सकल बतौलने। काठमांडू महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 शनि दिन निर्वाचन क्षेत्र नंबर 5 अंतर्गत सुके धारा में आयोजना केने नागरिक संवाद कार्यक्रम में बजेत नेता पोखरेल संविधान जारी भेल लगले संविधान कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कानून निर्माण के काज में किया नहीं लागल कही का आत्मसमीक्षा करब आवश्यक रहल से हो बतौलन। उप प्रधानमंत्री पोखरेल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नीति विधि आ संरचना तैयार कलाक बाद सरकारक काज गति लेत से विश्वास व्यक्त कलन। नीति विधि आ संरचना में देखल गेल समस्या समाधान करब एखुनका मुख्य चुनौती रहल से हुनकर कहब छलन। तहिना पोखरेल सार्वजनिक संपत्ति कब्जा को किस व्यक्ति के स्वार्थ में प्रयोग कर के छूट ककरो नहीं रहल से धारणा रखलन। विभिन्न आवरण में सार्वजनिक संपत्ति कब्जा होबदी सचेत करबे तो सार्वजनिक संपत्ति कब्जा कर राजनीतिक दल के छाता ओढ़ने व्यक्ति उच्च ओहदा के कर्मचारी सामाजिक सेवा में योगदान केने आ धार्मिक आवरण रखने व्यक्ति लाग सकबाक रहला से सजग होबे पड़त बतौने छलथि। हिजोदेखि कस्तो अभ्यास गरेका छौँ भने हाम्रै आफैले बनाएका नीतिले अर्को नीतिसित जुधिरहेका छ बाजिरहेका छ। आज जरुरत के हो भने ती नीतिहरूको बिचमा हामीले सामञ्जस्यता ल्याउनु पर्ने जरुरत छ। अब परिवर्तित अवस्थामा हाम्रा नीतिहरूमा समन्वय हुनु जरुरी छ। कार्यक्रम में नागरिक अगुवा सब ढल पानी सड़क पिचिंग लगात विकास निर्माण के क्रम में देखल गेल समस्या समाधान कर आग्रह केने छलथि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी निजगढ़ विमानस्थल निर्माण के क्रम में अनावश्यक विवाद सृजना कर खोजल गेल आरोप लगौलन।
सोही दिन काठमाडौँ में जिला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौँ के दोसर साधारण सभा के उद्घाटन करत मंत्री अधिकारी निजगढ़ विमानस्थल बनाब के निर्णय बहुत पहिने भेल कहत एखन अनावश्यक विवाद सृजना कर खोजल गेल आरोप लगौलन। ओ कम से कम वातावरणीय क्षति के संग संसारे के उत्कृष्ट निजगढ़ विमानस्थल बनौल जेबाक धारणा रखलन। मंत्री अधिकारी सन 2020 धरि भैरहवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण भ जायत आ अगला वर्षाक मौसम से पहिने त्रिभुवन विमानस्थल के धावन मार्ग निर्माण भ जायत जानकारी देलन। तहिना मंत्री अधिकारी देशक विकृति विसंगति आ अराजकता अंत करबाक काज शुरू केला पर अस्थिरता फैलाबे वाला तत्व सरकार के विरुद्ध में लागल से जिक्र कलन। जनता के नमहर जनादेश से निर्माण भेल सरकार 5 वर्ष चलत कहत ओहि से पहिने परिवर्तन नहीं हैत से ओ दावी कलन। यहाँ हामीले चाहिँ धावन मार्ग च्यातिने फाटिने कुरालाई चाहिँ आउने बर्खाभन्दा अगाडि नै सम्पूर्ण भन्नुभएको हामी सिद्धाउँछौँ। 2020 अगाडि दुईवटा एयरपोर्ट फुल पेज बसाल्छ, यतिले पुग्दैन, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहिन्छ। चाहिन्छ भन्दाखेरि 23 वर्ष अगाडि दिएको को होला बचाउने एक फेरि मान्छेहरू छ। हिजो आफै बस्दाखेरि ठिकै छ, आज हुँदैन। हामी कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति कम क्षति बनाएर संसारको राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहिँ यहाँ बनाउँछौँ, फास्ट ट्र्याक बनाउँछौँ, मधेस र काठमाडौँलाई जोड्छौँ र संसारलाई यहाँ जोड्छौँ नेपाल। मन्त्री अधिकारी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा सहित सरकार तीव्र रूपमे विकासके रस्तामे आगा बढल बतौलनि। कार्यक्रममे विभिन्न क्षेत्रक पर्यटन व्यवसायी सबके सम्मान कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रदीप पौडेल पार्टी के केन्द्रीय समिति पदाधिकारी अनुशासन समिति आ संसदीय समिति सब निर्वाचन मार्फत चयन करबाक चाही बतौलनि अछि। सोही दिन नेपाली कांग्रेस धनकुटा काठमाडौँ सम्पर्क समिति काठमाडौँ में आयोजना केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में नेता पौडेल पार्टी भीतर एखन आंतरिक लोकतंत्र सुदृढ़ कर के मुख्य चुनौती रहल बतौलन। नेता पौडेल पार्टी भीतर एखन अनुशासन उल्लंघन भ रहला से अनुशासन कायम करबाक लेल सेहो शक्तिशाली अनुशासन आयोग गठन करे पड़त धारणा रखलन। फरक प्रसंग में ओ सत्तारूढ़ दल नेकपा आई के नेता सब एखन पतन के रास्ता में अग्रसर रहल आरोप लगौलन। वर्तमान सरकार चीन आ भारत से रेल आनब कह के चर्चा मात्र केने कहे तो भाषण क के मात्र रेल आ पानी जहाज नहीं आयत से उल्लेख कलन। करने संदर्भ में कई त्रुटि गरेको छ, त्यसैले अब त्रुटि नदोड़ने स्थिति निर्माण करना का लागि संविधान का सब व्यवस्था र प्रावधान लागू होने गरी सबैले त्यसलाई अनुसरण गर्ने गरी हामीले विधानको कार्यान्वयनको चुनौती जुन छ त्यो चुनौती अन्त्य गर्ने गरी कञ्चनपुरक 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तके बलात्कार पश्चात भेल हत्या प्रकरण उल्लेख गरे त राज्य अपराधीके संरक्षण गर चाहने जिकिर केने छलथि। काठमाडौँ नेशनल के गैरकानूनी रूप में अस्पताल संचालन कर अनुमति देने कहित प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी विरोध कलन के ओ कोनो भी समय में आमरण अनशन शुरू क सकब चेतावनी दिलन। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रस्तावित काठमाडौँ मेडिकल कॉलेज के 300 शैया के अस्पताल संचालन कर के अनुमति देने छल। डॉक्टर केसी गैरकानूनी रूप में अनुमति देने कह खारिज करबाक मांग कलन। कोनो पूर्वाधार नहीं रहल आवासीय भवन में काठमाडौँ में स्थापित कथित मेडिकल कॉलेज के भर्खरे गैरकानूनी रूप में अस्पताल संचालन के अनुमति देने प्रति कड़ा आपत्ति जनबे तुरंत आम नागरिक के स्वास्थ्य में गंभीर खेलवाड़ करवला ओ निर्णय खारिज कर ध्यानाकर्षण करबे छी डॉक्टर केसी कहलन। काठमाडौँ विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह के कार्यक्रम में शुल्क बढ़ाब तथा अपना संग भेल सहमति उल्लंघन भेल कहे तो 3 बुदे मांग आगा बढ़ाने छथि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड शनिक सांझ कक्षा 11 के परीक्षाफल सार्वजनिक कयलक अछि। परीक्षा में नियमित दिस 3,32,891 अक्षरांकन पद्धति में आंशिक दिस 1,76,049 आ अंक प्रणाली में 49,505 विद्यार्थी के कुल 5,48,445 गोटे परीक्षार्थी के सहभागिता छल। परीक्षा में ग्रेड ए प्लस अर्थात GPA 3.65 से 4 धरि आनेवला 1,145 विद्यार्थी अछि।
ग्रेड ए अर्थात जीपीए 3.60 आनबला 8949, ग्रेड बी प्लस अर्थात जीपीए 2.81 3.20 आनबला 24115 विद्यार्थी, ग्रेड बी अर्थात जीपीए 2.41 2.80 आनबला 48731 अछि। तहिना ग्रेड सी प्लस अर्थात जीपीए 2.1 2.40 आनबला 86770, ग्रेड सी अर्थात जीपीए 1.61 2 आनबला 2000, ग्रेड डी प्लस अर्थात जीपीए 1.21 1.60 आनबला 41406, ग्रेड डी अर्थात जीपीए 0.81 1.20 आनबला 8127 आ ग्रेड ई अर्थात जीपीए 0.80 आनबला 20685 विद्यार्थी रहल। बोर्ड जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख अछि अंक प्रणाली पद्धति के आंशिक दिश के परीक्षार्थी मध्य 38.41% उत्तीर्ण भेल अछि। बोर्ड नियमित दिश 100 विद्यार्थी, अक्षरांकन पद्धति दिश 27, आंशिक दिश के परीक्षा रद्द केने आ अंक प्रणाली दिश 4 गोटे का कुल 131 गोटे परीक्षार्थी के परीक्षा रद्द केने जनौलक अछि। बीतला जेठ 9 गोटे सम्पन्न भेल परीक्षा के विगत के वर्ष 3 महीना पहिने है बोर्ड एहि वर्ष नतीजा सार्वजनिक केलक अछि। बाल आँख रोग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शनि दिन से काठमांडू में शुरू भेल अछि। बाल आँख रोग के इलाज बारे सीप प्रविधि आ ज्ञान के आदान प्रदान करबाक उद्देश्य के संग सम्मेलन के आयोजना कयल गेल। आयोजक तिल गंगा आँखा प्रतिष्ठान जनौलक अछि बढ़ि रहल आँख सबके लेल हासिल करी ज्ञान मूल विषय में केन्द्रित सम्मेलन सोम दिन धरि चलत। प्रतिष्ठानक बाल आँखा रोग विशेषज्ञ तथा आयोजक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सृजना अधिकारी सम्मेलन में धियापुता में होबय वाला दृष्टिदोष, टेढ़ आँख, अलछी आँख, जन्मदात मोती बिंदु, जल बिंदु, आँख में लागे वाला चोट, आँख के कैंसर लगातक विषय में विमर्श हेत बतौली। तहिना उमेर नहीं पहुँच कर जन्मल बच्चा में लागे वाला आँख रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग लागल धियापुता में हो वाला आँख समस्या, आँख लाल होब के आदि संबंधी विमर्श सम्मेलन में हेत जानकारी दिलन। सम्मेलन में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय का आँख के बाल रोग विशेषज्ञ, सामान्य नेत्र विशेषज्ञ, आवासीय चिकित्सक, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, एनस्थेटिक 100 से बेसी के सहभागिता रहल। डॉक्टर अधिकारी बतौलन बाल नेत्र रोग सम्बन्धी विभिन्न विषयमा हामी छलफलहरू गर्नेछौँ। बाल नेत्र रोग भनेको चाहिँ एउटा छुट्टै विधा हो जसमा हामी आँखाको आँखा विशेषज्ञहरूले फेरि अलिकति अर्को फर्दर पढेपछि बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ भन्छौँ हामी, अलिकति अझै पढ्नुपर्ने हुन्छ विशेषज्ञता हासिल गरेपछि। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले बाल बालिकामा लाग्ने रोगहरूको कसरी पत्ता लगाउने, त्यसलाई कसरी उपचार गर्ने, रोग पत्ता लाग्न नदिने प्रिभेन्सनहरू र रोग लागेर रिहेबिलिटेसनहरू कसरी गर्ने, अन्धोपनलाई कसरी, त्यो सबै हामीले चाहिँ यस सिम्पोजियममा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ आज। र यसमा चाहिँ हामीले बाहिरबाट ख्यातिप्राप्त इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय स्पिकर्सहरू बाल सन् 2014 नेपालमा कयल गेल सर्वे अनुसार 0.06% धियापुतामे बाल अन्धापन देखल गेल। तिल गंगा आँखा प्रतिष्ठान जनौलकै ओहिमध्ये 80% धियापुता सबके इलाज कऽ कऽ हटाओल जा सकैत अछि अन्धापन भेटल अछि। सम्मेलनमे नेपाल, सिंगापुर, अमेरिका, बंगलादेश, क्यानाडा, भूटान, सऊदी अरेबिया लगायतक बाल आँख रोग विशेषज्ञ सब कार्यपत्र प्रस्तुत करताह। लायन्स आ लियो क्लब अफ काठमाडौँ के आयोजना में रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना काठमाडौँ में वृहत रक्तदान कयल गेल अछि। रक्तदान कार्यक्रम में 60 गोटे से बेसी रक्तदान केने छल। रक्तदान जीवनदान मूल नारा के संग शुरू भेल रक्तदान कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्ति सब स्वस्फूर्त रूप में रक्तदान केने आयोजक जनौलक अछि। तहिना युवा वर्ग में रक्तदान के महत्व के चेतना स्तर वृद्धि भ रहल परिप्रेक्ष्य में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल सेहो आयोजक जनौलक अछि। अगला दिन हरेक हफ्ता रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना करैत खूनक अभाव के न्यूनीकरण करबाक प्रयास कयल जायत लायन्स आ लियो क्लब अफ काठमाण्डू जनौलक अछि। टाइम समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
भारत नियंत्रित क्षेत्र कश्मीर में शनि दिन सड़क दुर्घटना भेल। पहाड़ी इलाका के रास्ता में यात्रा कर रहा एक मिनी बस दुर्घटना में पड़ 20 गोटे के जान गए तो 16 गोटे घायल भेल। 11 गोटे के हवाई मार्फत अस्पताल ले जाओल गए। यात्रुवाहक मिनी बस शनि दिन भिनसर नदी में खस दुर्घटना भेल। अधिकारी सब जानकारी दिलन नदी से रामबन माफ करब बेनीहल से रामबन जा रहा मिनी बस दुर्घटना में पड़ल छल। उद्धारकर्ता पुलिस तथा सेना उद्धार केने छल। आब खेलकूद समाचार। लगातार दोसर हार संगे डिफेंडिंग चैंपियन नेपाल बंगबंधु गोल्ड कप के समूह चरण से बाहर भेल। शनि दिन भेल खेल में पैलेस्टाइन नेपाल के एक सुना गोल अंतर से हरौलक। नेपाल पहिल हाफ गोल रहित बराबरी खेलने छल। नेपाल 69 मिनट में गोल खेने छल। वैसे पहिने खेल में नेपाल ताजिकिस्तान संग पराजित भेल छल। हार के बाद प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जन प्रतियोगिता के लिए तैयारी नहीं पहुंचल बतौलन। साबिक के विजेता रही तो नेपाल इस सीजन बंगबंधु कप खेलत कि नहीं से देर से मात्र निष्कर्ष लागल छल। पिछला वर्ष के उपाधि संगे पेने पुरस्कार रकम मध्य आधा अब बाकी रहला से नेपाल ओ रकम नहीं आयल इस संस्करण नहीं खेलब बतौने छल। नेपाल दिने अल्टीमेटम के अंतिम समय में रकम मिलाक बाद टीम पठौलक मुदा निक प्रदर्शन नहीं कर सकल। संदीप लामिछाने आ कप्तान पारस खड़का के उत्कृष्ट प्रदर्शन संगे नेपाल T20 विश्वकप एशिया छनौट बी में मलेशिया ऊपर 8 विकेट के जीत हासिल कलक। प्रतियोगिता में नेपालक ई दोसर जीत है। क्वालालंपुर में घरेलू टोली देने 101 रन के लक्ष्य नेपाल 12.4 ओवर में मात्र 4 विकेट गुमाकर प्राप्त कलक। कप्तान पारस खड़का 52 रन में अभिजीत रहला तो कप्तान ज्ञानेन्द्र मल नॉट आउट 27 रन बनौलन। नेपाल पहल विकेट सस्ते में गुमौने छल। ओपनर अनिल कुमार शाह 1 रन में आउट भेला जखन टीम के स्कोर मात्र 2 रन छल। विनोद भंडारी 12 रन बनौला। वैसे पहिने बैटिंग केने मलेशिया 19.3 ओवर में सब विकेट गुमाकर मात्र 100 रन बनौने छल। ओकरा लेल शफीक शरीफ 49 रन बनौने रही तो अन्य बैट्समैन सब नहीं चल सकला। मलेशिया के सस्ते में समेटे के क्रम में संदीप 5 विकेट लेलन। 4 ओवर बॉलिंग केने ओ 20 रन खर्च केने छला। सोमपाल कामी 3 आ पारस खड़का 1-1 विकेट लेने छलथि। समाचारक अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। जनकपुर अंचल अस्पताल के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के नाम में नामकरण कर कांग्रेस उपसभापति निधि के प्रस्ताव। ओली नेतृत्वक सरकार अपन पार्टी के अंतर्द्वंद के कारण से बीचे में खसत कांग्रेसक नेता महत के दावी। नकली नागरिकता बनाब खोजवला एक भारतीय सहित 3 गोटे जनकपुर धाम से पकड़ायल। अनाथ धियापुता के लिए जनकपुर धाम में सानो पायला के पहल में छोट घर के स्थापना। धनुषामी पावनि तिहार के लक्षित क के 1055 पुलिस परिचालन कैल जायत। सरकारक काज में होबय वाला कमजोरी प्रति पार्टी सचेत रहल नेकपा अध्यक्ष प्रचंड के स्पष्टोक्ति। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा शनिक सांझ कक्षा 11 के परीक्षा फल सार्वजनिक कैल गेल। आ कश्मीर में बस दुर्घटना 20 गोटे के मृत्यु 16 गोटे घायल। व्यस्त एक संग एखनुक टाइम्स समाचार एत समाप्त भेल। एखनुक समाचार से हम दीपक विदा चाहे छी। सत्य तटस्थ आ निष्पक्ष समाचारक लेल देखत रही टाइम्स टेलीविजन। प्रणाम।